आदाब नमस्कार, आप सभी का स्वागत है QNS टीवी में और मैं हूं अंजुल मिस्कीन। चलिए आज की पेशकश की शुरुआत करते हैं। कुछ दिनों पहले एक स्टोरी सोशल मीडिया पे सबने देखी पढ़ी होगी, जिसमें ये दिखाया गया कि एक 27 साल के युवा ने कंगन गांधरबल में स्थित अपने न्यूली कंस्ट्रक्टेड कॉम्प्लेक्स के डिमोलिशन के दुख को ना सह पाने के कारण और एज अ प्रोटेस्ट खुद को आग लगा दी। बताया गया कि जब इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सिंध नाले के आसपास कथित इलीगल कंस्ट्रक्शन पर डिमोलिशन ड्राइव शुरू की, तो अचानक से इस 27 साल के युवा ने इसी कॉम्प्लेक्स की छत पे जाकर एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट खुद को आग के हवाले कर दिया। खैर, इसके बाद लोकल्स और SHO गांधरबल की मदद से इस 27 साल के युवा को रेस्क्यू किया गया और इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। फिर इसके बाद आज इसी से जुड़ी एक और खबर सामने आई। खबर ये है कि खुद को आग लगाने के इस इंसिडेंट पर सरकार ने जांच के ऑर्डर्स जारी किए, जिसमें ये साफ लिखा है कि इस हादसे की जांच के लिए KS एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर खुर्शीद अहमद शाह को एज इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया गया। इसके अलावा इस पूरी सिचुएशन को गलत तरीके से हैंडल करने के कारण गवर्नमेंट ने विद इमीडिएट इफेक्ट तहसीलदार गांधरबल के ट्रांसफर ऑर्डर्स भी पास किए। दोस्तों, इस खबर को शेयर करते समय हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कुछ समय पहले हमने गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के वारपोवा इलाके से ऐसी ही कुछ सिमिलर रिपोर्ट आपके सामने पेश की थी, जिसमें वहां पे स्थित इरिगेशन कैनाल के आसपास हुई इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए आदेश जारी हुए थे, पर लैंड माफिया की डिजायर्स और उस कारण वहां इन्वॉल्वमेंट के कारण कार्यवाही के दौरान सिर्फ एक ही पर्टिकुलर स्पॉट को टारगेट किया गया था, जिसमें वहां के लोग सामने आते हुए आवाज उठा रहे थे। इसके अलावा दोस्तों, एक और ऐसा ही मसला था जिसमें गांधरबल के ही एक इलाके में स्थित 5 करोड़ की स्टेट लैंड गांधरबल तहसीलदार के देखते ही देखते लैंड एनक्रोचर्स ने हथिया ली थी। वहां के लोगों का कहना था कि इस मामले से जुड़ी जानकारी गांधरबल तहसीलदार तक पहुंचाई गई थी, पर फिर भी कुछ करने की जगह उन्होंने चुप्पी साध ली थी। इस पर वहां के लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या गांधरबल तहसीलदार की इस चुप्पी की वजह ये समझा जाए कि वो खुद इनके गलत इरादों में शामिल थे? क्या उनका कुछ शेयर था इस डील में? इस मसले के बाद आज फिर एक बार गांधरबल तहसीलदार से जुड़ी एक और ऐसी ही खबर सामने आई, जिसके बारे में आज हमने आपको बताया। गांधरबल तहसीलदार की नियुक्ति इस इलाके में कोई पहली बार नहीं हुई थी, ये 3 बार यहाँ अपॉइंट हो चुके थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी बार यहाँ होने पर इस इलाके के मसलों पर तहसीलदार साहब की अच्छी पकड़ होनी चाहिए थी। तो यहाँ के लोगों ने ये सवाल उठाए कि मसलों पर पकड़ रखने की जगह गांधरबल तहसीलदार ने क्या पैसों पर पकड़ बनाए रखी थी? और अगर ऐसा कुछ नहीं था तो क्यों ऐसी खबरें उछलकर सामने आ रही हैं? दोस्तों, ये एक खबर नहीं है, फिलहाल ऐसी 3 रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, और भी ना जाने कितनी ऐसी रिपोर्ट्स होंगी जो किसी की नजर में भी नहीं आई। तो अब यहाँ इस मसले की पूरी जांच के लिए लोगों ने DIFCOM और ऑनरेबल LG से यही अपील की कि इस मसले की तह तक जाया जाए। अगर गांधरबल तहसीलदार वाकई में दोषी हैं, तो सिर्फ ट्रांसफर ऑर्डर्स से कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ इस पद से बर्खास्त किया जाना ही सही होगा, क्योंकि लोगों का कहना है कि नहीं चाहिए ऐसे ऑफिसर्स जो इस तरह सब दाव पे लगाकर अपने घर गलत तरीकों से कमाए पैसों से भरते हैं। साथ ही क्या पता इस तरह की खबरों की अंदर की तह तक क्या नजारा हो। तो उस अंदर की सड़न तक पहुंचने के लिए लोग UT एडमिनिस्ट्रेशन से एक क्लियर और अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि दोषियों के चेहरे बेनकाब हो सके। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।